तो बच्चों हमने आपको भौतिक और रासायनिक परिवर्तन पढ़ाए है ना, समझ में आ गया सबको? यस मैम। तो आप लोग कुछ लेकर आए हैं भौतिक और रासायनिक परिवर्तनों के उदाहरण, दिखाएंगे आप कुछ? यस मैम। सब बच्चे लेकर आए कुछ ना कुछ? यस मैम। तो रेडी हैं? यस मैम। और दूसरों के देखने के लिए भी रेडी हैं कि कौन क्या लाया है? यस फिर वो बताएगा अभी कि इसमें भौतिक परिवर्तन कैसे है और रासायनिक परिवर्तन कैसे है। चलिए रेडी हैं आप लोग? यस मैम। चलिए नन्नी आप खड़ी हो, बताइए बेटा कौन सा परिवर्तन दिखाएंगी आप? भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन कैसे? मैम फाड़ दिया। हाँ, टुकड़े टुकड़े कर दिया। हाँ मैम। करिए देखिए बच्चों इतने सारे टुकड़े हो गए, दिखाइए बेटा नन्नी। नी, नीचे रख के दिखाइए आप, देख कितने सारे टुकड़े हो गए। तो नन्नी क्या इनको हम दोबारा जोड़ सकते हैं इन टुकड़ों को? यस मैम। तो बेटा ये कैसा परिवर्तन हुआ? भौतिक परिवर्तन। कागज को फाड़ना कैसा परिवर्तन हुआ? भौतिक। क्यों भौतिक परिवर्तन है बेटा बताइए? भौतिक परिवर्तन मैम कुछ नई चीज नहीं, क्योंकि इसमें कोई बच्चों नई चीज नहीं बनी है ना। क्या कागज के टुकड़े से कागज वापस बना सकते हैं? यस मैम। इसीलिए भौतिक परिवर्तन है ना। अच्छा आप पेपर से रासायनिक परिवर्तन कैसे दिखाएंगी? मैम जला के। अब देखिए बेटा ये जला रही है नन्नी, देखिए जलने के बाद क्या होगा। अब थोड़ा हम लोग वेट करते हैं जलने का कागज, और इसमें हम लोग देखे समझेंगे कि इसमें रासायनिक परिवर्तन क्यों है। तो देखिए बच्चों इसमें कागज जलने पर क्या हुआ? ये राख बन गई। तो बेटा ये कौन सा परिवर्तन हुआ? रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन क्यों हुआ? क्योंकि मैम जल गया, राख बन गया। राख बन गई, नई चीज बन गई है ना। चलिए वेरी गुड, बैठे क्लैपिंग करिए सब बच्चे नन्नी के लिए। हाँ सूर्य आप ही तो मोमबत्ती जल रही है, कौन सा परिवर्तन है ये मैम? दोनों भौतिक रासायनिक दोनों है मैम। भौतिक रासायनिक कैसे दोनों बेटा? भौतिक जैसे मोम पिघल जाएगा तो हाँ तो भौतिक हो जाएगा। क्यों भौतिक हो जाएगा? क्योंकि फिर दोबारा बन सकता है मोम को, जैसे पिघल गया उसे दोबारा से मोमबत्ती बना सकते हैं ना। और रासायनिक कैसे हुआ बेटा ये? रासायनिक जब इसका धागा जल जाएगा हाँ तो उसमें नई चीज राख बन गई, इसी के लिए उसको रासायनिक कहेंगे। हाँ क्योंकि बच्चों धागा जो जल रहा है ये तो दोबारा हम लोग बना नहीं सकते हैं है ना, और इससे क्या बन रही है? राख बनेगी है ना। तो ये कैसा परिवर्तन हुआ बेटा? रासायनिक। वेरी गुड, क्लैपिंग करिए भाई सर। मैम इसको मैं ऐसे ऐसे करके काट दूंगी। नहीं आप कौन सा परिवर्तन दिखाएंगी? भौतिक परिवर्तन। कैसे वैसे भी टूट जाएगी बेटा, ठीक है। ये क्या कर रही है सपना? चाक तोड़ रही है। तो बेटा ये भौतिक परिवर्तन क्यों हुआ? कोई नई चीज नहीं बनी है। क्योंकि इसमें कोई नई चीज बन रही है बच्चों? नहीं भाई, चाक इसको ज्यादा पीस देंगे है ना। देखिए कुछ कुछ पीस गई, नहीं पीस गई है। इससे आप दोबारा भी बना सकते हो चाक है ना। क्या कोई नई चीज बनी? नई चीज बनी है ना। और हमने आपको बताया था किसी भी चीज को काटना तोड़ना या फाड़ना क्या होता है? भौतिक परिवर्तन होता है। वेरी गुड सपना, बैठ जाइए, क्लैपिंग करिए सब बच्चे। हाँ तो पवन ये चावल क्यों लेके आए हैं? हाँ बोलिए मैम। जब हम इनको पकाते हैं तब मैम भात बनता है। भात बनता है, तो इसमें आप कौन सा परिवर्तन बताना चाह रहे हैं? मैम रासायनिक। रासायनिक परिवर्तन क्यों हुआ भाई? पकाते मैम नया बन रहा है, इसमें नई चीज बन रही, भात बन रहा है ना। और पकाने के बाद क्या आप दोबारा चावल बना सकते हैं? नहीं मैम, नहीं बना सकते। इसीलिए कैसा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन। बैठ जाइए बेटा। कोई भी चीज बच्चों खराब होना या पकना कैसा परिवर्तन होता है? रासायनिक परिवर्तन। हाँ ये सोनू भाई आलू क्यों काट रहे हैं? स्कूल में सब्जी बनाओगे क्या सोनू? नहीं। क्यों काट रहे हैं सोनू? ये क्या बताना चाह रहे हैं इसमें बेटा? भौतिक। भौतिक परिवर्तन कैसे हो गया भाई? इसमें कोई नई चीज नहीं बन रही है। देखो बच्चों इसमें खाली क्या हो रहा है? इनके टुकड़े हो रहे हैं। और हमने आपको बताया था किसी भी चीज को काटना फाड़ना या तोड़ना कैसा परिवर्तन होता है? भौतिक परिवर्तन होता है ना। ही इसमें कोई नई चीज बन रही है भाई, आलू के आलू ही रहे हैं ना। तो कैसा परिवर्तन हुआ सोनू? भौतिक। भौतिक, वेरी गुड, क्लैपिंग करिए भाई सोनू के लिए। तो गुंजन तो देखिए लगता पूजा करने आई है यहाँ पे गुंजन है। गुंजन कौन सा परिवर्तन दिखाएंगी आप? रासायनिक। रासायनिक परिवर्तन, मोमबत्ती इसको धूप बत्ती को जला के। चलिए जलाइए खिड़की बंद। देखिए बच्चे गुंजन ने क्या कर दिया है? धूप बत्ती जला दी है ना। तो गुंजन ये आप बता रही कि इसमें रासायनिक परिवर्तन है भाई। इसमें रासायनिक परिवर्तन कैसे है? मैम इसमें नई चीज बन रही है। क्या नई चीज बन रही बेटा? राख बन रही है। देखिए बेटा जब ये देखिए धूप बत्ती जल रही है तो इसमें क्या ऊपर बन रही है? राख बन रही है, नई चीज है।
क्या आप राख से दोबारा से धूप बत्ती बना सकते हैं? नहीं मैम। नहीं तो कैसा परिवर्तन है? मैम बहुत रासायनिक परिवर्तन है। क्लैपिंग करिए। लक्ष्मी क्या कर रही हैं आप? मैम लोई बना रहे हैं। लोई बना रहे हैं। आटे से लोई बना रही हैं। तो बेटा इसमें आप कौन सा परिवर्तन दिखाना चाह रही हैं? भौतिक। कौन सा परिवर्तन है? भौतिक। भौतिक परिवर्तन क्यों है बेटा इसमें? क्योंकि मैम मुझे एक में मिला दे। क्योंकि लोई एक में मिला दे तो क्या हो जाएगा? आटा बन जाएगा। दोबारा से क्या बन जाएगा बच्चों? आटा बन जाएगा। और इसमें कोई नई चीज बन रही है? नहीं। लेकिन अच्छा बेटा इससे अगर रोटी सेक ले तो मैम तो कौन सा परिवर्तन हो जाएगा? तो रासायनिक। रासायनिक क्यों रासायनिक हो जाएगा? क्योंकि रोटी से दोबारा आटा नहीं बना पाएंगे और नई चीज रोटी बनी है ना। चलिए भाई क्लैपिंग करिए लक्ष्मी के लिए। चलिए श्रेयांश क्या हल्दी वल्दी ले आए हैं? क्या है श्रेयांश? ये हल्दी है निर्मा। इसमें क्या करेंगे आप? इसको मिलाएंगे। चलिए मिलाइए देखें क्या होता है। थोड़ा सा मिलाइएगा निर्मा। देखिए मिक्स करिए। अरे ये कैसा हो गया? लाल हो गया ये बेटा। ये लाल हो गया तो इसमें आप कौन सा परिवर्तन दिखाना चाह रहे हैं? रासायनिक। रासायनिक परिवर्तन क्यों है बेटा? मैम कीजिए लाल रंग दोबारा से हल्दी और निर्मा। दोबारा से इसको हल्दी का पीला रंग नहीं हो सकता और निर्मा क्या अलग हो सकता है? और इसमें नई चीज क्या बनी है बच्चों? रंग। लाल रंग पीले से लाल बना है कि नहीं बना? और निर्मा कैसा था? सफेद था है ना। तो ये कैसा परिवर्तन हुआ? अच्छा बच्चों इसमें एक और चीज दिखा रहे हैं। अम्ल और क्षार हमने आपको पढ़ाया था है ना। तो जो हल्दी है वो निर्मा के साथ मिलकर क्या बता रही है कि निर्मा क्या है? अम्ल है कि क्षार है? क्षार। हमने बताया था ना कि हल्दी सूचक होती है ना। अम्ल और क्षार बताती है इसीलिए ये ऐसी लाल हो गया। ठीक है वेरी गुड। क्लैपिंग करिए भाई श्रेयांश के लिए। दिव्यांशी क्या कर रही है? दिव्यांशी को बड़ा फुला रही है। बस बस बस। अब फिर से क्या करेंगे दिव्यांशी? इसको पिचका देंगी। पिचकाइए। ये देखिए क्या हो गया? ये दोबारा से ऐसा हो गया। फिर से फुलाइए थोड़ा सा। ये देखिए ठीक है। तो ये बताइए मैं दिव्यांशी ये कैसा परिवर्तन हो रहा है? भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन क्यों हुआ? क्योंकि मैम इसमें कोई नई चीज नहीं बनी। नई चीज नहीं बन रही है ना। फिर से हम इसको पिचका सकते हैं और फिर से फुला सकते हैं है ना। और जरा इसको पकड़ के दबाइए देखिए। ये देखिए ये दूसरे तरीके से हो जाएगा। ये देखिए इसका थोड़ा सा है ना दब रहा है। ये भी कैसा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन। वेरी गुड। चलिए क्लैपिंग करिए दिव्यांशी के लिए।